और इसका मीनारा देखिए गाइस कितना ऊपर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आज जुमा है और आप सभी को जुमा के तहे दिल से मुबारक। और हम हैं और मेरे साथ में नाज बाबू हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग अभी जा रहे हैं सैलून, और सैलून में कुछ दाढ़ी हम लोग सेटिंग करवाएंगे, उसके बाद से जुमा की तैयारी करेंगे। तो गाइस जो जुमा का जो दिन है, तो जुमा के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है सैलून में, फिर भी हम लोग जा रहे हैं। अगर भीड़ ज़्यादा हुआ तो हम लोग का जुमा का तैयारी नहीं हो पाता है मुकम्मल, क्योंकि हम लोग को जुमा में आगे सफ में बैठना होता है ना नाज बाबू? तो आगे सफ में बैठना होता है, उसके लिए हम लोग को पहले ही जाना पड़ता है। तो क्या होता है, मस्जिद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी तैयार होकर के जाते हैं। अभी देखिए इतना वक्त हो रहा है, 8:30 अभी हो रहे हैं करीब, और अभी हम लोग सैलून जा रहे हैं। अगर भीड़ रहा तो फिर लेट हो जाएगी हम लोग को, इसलिए अभी हम लोग जाके देख रहे हैं सैलून में भीड़ है ना क्या है। नाज बाबू, आज जुम्मा का दिन है, उसमें एक नाच सुनाइए ना। देखिए आगे क्या, आगे देखिए। गया जिसने मोहम्मद की अभी सैलून में एक आदमी का नंबर लगा हुआ है, इसके बाद हम लोग बैठेंगे। नाज बाबू बैठिए, इसके बाद हम ही लोग का नंबर है, भीड़ नहीं है सैलून में। मैं थ्रेडिंग करवा रहा हूँ अपने चेहरों पे, क्योंकि मैं अपने चेहरे पे ब्लेड नहीं लगाता, आज तक मैंने कभी नहीं लगाया। तो जो भी दाढ़ी सेटिंग करना होता है वो मैं धागा से ही करवाता हूँ, थ्रेडिंग करवाता हूँ उसे। नाज बाबू जी, कितना वक्त लगेगा? और वही दस मिनट। 10 मिनट लगेगा जी, क्योंकि जुम्मा का तैयारी करनी है। हाँ इंशाल्लाह वक्त पे पहुँच जाएंगे तो जी। मारिए, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट हो जाएगा आपसे। कि दानियाल वाला हाल होगा आपका भी है? नहीं नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। कोशिश करेंगे। कौन सा बीज लगा रहे हैं? छोटकी छोटकी चाबी है। तो आज मैं अपने पापा के बुलेट से आया हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग ने सैलून से जा कर के आ गए, अब फौरन हम लोग को घर जाना है, इसलिए कि जल्दी से नहा धोवा कर हम लोग को मस्जिद निकलनी है। गाइस फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ और अजान भी हो गई है, तो चलते हैं मस्जिद। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ मस्जिद। मैं मस्जिद का मीनारा मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए गाइस, यही मस्जिद है, मस्जिद का मीनारा आपको नज़र आता होगा। ये देखिए गाइस, यही हम लोग का मस्जिद है, और इसका मीनारा देखिए गाइस कितना ऊपर है, बहुत दूर से भी ये मस्जिद नज़र आता है। अच्छे अच्छे देवताओं के सामने बैठा हुआ हूँ, मीठी शरबतें हैं, अच्छी दिशाएं हैं, अच्छे फल रखे हुए हैं, भूख की शिद्दत लगी है, प्यास की शिद्दत मुझे तड़पा रही है, लेकिन मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। ये सिर्फ तेरी फरमा बरदारी के लिए, ये सिर्फ तेरी रजा के लिए, या अल्लाह दिन भर में जो भी हमसे छोटी और बड़ी लफ्जिशें हुई है, रोजे में जो कोताहियां हुई है, जबान से जो गिबत हुई है, या अल्लाह इसे माफ करके मेरे रोजे को कबूल कर ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।